हे वेलकम गाइस, जय करो नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट बुबाई और आप देख रहे हैं बीटेक रिव्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नया कैमरे के बारे में जो कि फिलहाल मतलब मई के महीने में लॉन्च होने वाला है। तो आज उसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन है उसका, कब लॉन्च होगा, क्या कितने प्राइस में आपको मिलेगी। दोस्तों, इस कैमरे की जो ओल्ड वर्जन था उससे थोड़ा सा इम्प्रूव किया है ये कैमरा। इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन सेंसर देखने को मिलेगा। तो इन सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो गाइज, हाल ही में पैनासोनिक ने एक नया कैमरा लॉन्च करने वाला है, तो उसका जो मॉडल नंबर है पैनासोनिक लुमिक्स G95। दोस्तों, इस कैमरे की स्टेबिलाइजेशन की बात करें तो इस कैमरे में आपको 5x स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस कैमरे की क्वालिटी की तो इस कैमरे के थ्रू आप बहुत ही आसानी से 4K वीडियो शूट कर पाओगे। दोस्तों, इस कैमरे के लीक्स और रूमर्स के थ्रू जितना पता चला है कि ये कैमरा लॉन्च होने वाला है मई के महीने में, मई की सेकेंड वीक के अंदर आपको ये कैमरा देखने को मिल जाएगी इंडिया में। और अगर हम बात करें इस कैमरे की प्राइस की तो इंडियन प्राइस में ये कैमरा होने वाला है 80,000 से 85,000 के आसपास। और इस कैमरे के साथ आएगा लुमिक्स G12-60mm का लेंस जो कि बहुत ही अच्छा एक लेंस है। और इस लेंस में आपको देखने को मिलेगी f3.5-5.6 का जो OIS का पावर, एंड साथ में ही आपको नया डिजाइन देखने को मिलेगा इसका। और बहुत सारे नया फीचर्स भी ऐड हुआ है इसके अंदर, शूटिंग मोड बहुत सारे। गाइज, अगर हम बात करें इस कैमरे की लेंस क्वालिटी की तो इसमें आपको 20.3 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको डिजिटल लाइव MOS सेंसर देखने को मिलेगा जो कि विदाउट लो पास फिल्टर होने वाला है। और इस कैमरे की अलग वर्जन 5x स्टेबिलाइजेशन वाला भी है। गाइज, ये कैमरा बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस कैमरे की जो लीक्स और रूमर्स निकल के आया था उसमें लिखा था कि ये ब्लॉगिंग सेटअप के लिए बहुत ही बढ़िया कैमरा होने वाला है। तो जितने सारे लोग ब्लॉगिंग के लिए एक नया कैमरा परचेस करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कैमरा रहेगा। आप चाहे तो थोड़ा दिन रोक सकते हैं, मई के महीने में ये लॉन्च होने वाला है तो उसके बाद आप अगर परचेस करेंगे तो ये एक बहुत ही कमाल की कैमरा होने वाला है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और गाइस, इस कैमरे में आप 30fps पे आराम से 4K वीडियो शूट कर पाओगे और आप चाहे तो 120fps पे स्लोमो वीडियो भी बना सकते हैं। अभी तक जितने सारे स्पेक्स पता चला इसके थ्रू मुझे पर्सनली ये कैमरा बहुत ही अच्छी लगी, और अगर आपको भी अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक न्यूज़ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना और ये वीडियो आप अपना व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ ही साथ पता चल जाए। दोस्तों, आप हमें इंस्टा फेसबुक या फिर ट्विटर में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।